हम विजिट कर रहे हैं। कितने पैसे लिए आपसे भाई? 100 रुपए लिए हैं कह रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ 150 रुपए हैं, मुझे वापस भी आने हैं। इधर आओ, इधर आओ, पैसे लेके, और उसके बाद आप भाग भी रहते हैं यहाँ से। चालान किए हुए, चालान कर, चालान दिखाएं इसका, रसीद हमारे पास। दिखाइए, दिखाइए। हम आपको क्यों दिखाएं? ज़रूरियातें ज़िंदगी के हुसूल और मुआशरती ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए इंसान रोज़ ही दूर और नज़दीक के सफ़र से गुजरता है। मोटरसाइकिल को तेज़ तरीन और सस्ती सवारी के तौर पर लिया जाता है। रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए ट्रैफिक के अजदहाम में मोटरसाइकिल को बड़ी नेमत तसव्वुर किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक के हवाले से मुरतब किए जाने वाले आदाद व शुमार ने साबित किया है कि ये तेज़ रफ्तार सवारी जहाँ सहूलत है वहाँ ख़तरनाक भी है। URC अर्बन रिसोर्स सेंटर की 2011 की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कराची की सड़कों पर 26,14,000 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थीं, जिनमें से निस्फ तादाद मोटरसाइकिल्स की थी। गुज़श्ता 8 सालों में ट्रैफिक की इस तादाद में होशरुबा इजाफा हो चुका है। जिस तरह मोटरसाइकिल का इस्तेमाल दीगर सवारियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अहम है, इसी तरह ट्रैफिक हादसात में भी मोटरसाइकिल हादसात का तनासुब सबसे ज्यादा है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले ट्रैफिक हादसात में 83% हादसात सिर्फ मोटरसाइकिल्स के ही हैं, जिनमें 4,448 हलाकतें और 11,544 जख्मी रिकॉर्ड हुए। मोटरसाइकिल हादसात में अमवात और जख्मी होने वालों के जिस्म में सबसे ज्यादा मुतासिर हिस्सा सर का होता है। यही वजह है कि ट्रैफिक कवानीन में मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत के लिए हेलमेट को लाजिम करार दिया गया है। वक्फे वक्फे से हेलमेट मुहिम और स्नैप चेकिंग ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चालान भी काटे जाते हैं। हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से शऊर उजागर किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की सफेद वर्दी में छुपी काली भेड़े भी हेलमेट मुहिम से इस्तेफादा करती हैं। बड़े पैमाने पर रिश्वत सदानी का बाजार गर्म हो जाता है। हेलमेट मुहिम के साथ ही मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर हेलमेट की सप्लाई और हेलमेट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया जाता है। काफी अरसे से चला आने वाला ये इत्तेफाक हेलमेट व्यापारियों और ट्रैफिक इंतजामिया के दरमियान कोई गठजोड़ है या महज इत्तेफाक? आज के प्रोग्राम में आवाम के जहनों में उठने वाले इन्हीं सवालों की हकीकत बेनकाब की जाएगी। महकमा ट्रैफिक की हालिया हेलमेट मुहिम के हवाले से टीम ग्रिफ्ट को आवाम की जानिब से बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। हेलमेट मुहिम की आड़ में बहुत सी बावर्दी काली भेड़ों ने इस मुहिम को मफाद परस्ती और रिश्वत सताने का जरिया बना लिया था। टीम ग्रिफ्ट ने शिकायत की तस्दीक और काली भेड़ों को बेनकाब करने के लिए अपनी स्पाई टीम के हमरा फील्ड विजिट का फैसला किया। अभी कराची में एक कैंपेन की सूरत में हेलमेट के ऊपर पाबंदी कराई जा रही है, और इस पाबंदी को कहीं पे वाकई में पाबंदी कराई जा रही है कि बाकायदा से चालान दिए जा रहे हैं लोगों को, और उनसे पाबंदी कराई जा रही है कि वो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अलावा कुछ जगहों से हमें शिकायतें भी मौसूल हुई हैं, और ऐसी इतलात भी मौसूल हुई हैं कि पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरंजाम नहीं दे रहे हैं। जो यूजुअली उनका काम है, जिस तरीके से वो अपने रिश्वत लेके और लोगों को छोड़ देते हैं, उसी तरीके से जो है रिश्वत लेके छोड़ रहे हैं। टीम ग्रिफ्ट पहुंची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मारूफ इलाके गुरिस्ताने जौहर पर, जहां ट्रैफिक एहलकार बिना हेलमेट वालों को रोकने में मसरूफ थे। टीम ग्रिफ्ट वहां पहुंचकर एक ऐसे मकाम पर खड़ी हुई जहाँ से कुछ फासले पर खड़े हुए ट्रैफिक एहलकार वाजह तौर पर नजर आ रहे थे। इसके बाद स्पाई नुमाइंदों को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवारों के तौर पर ट्रैफिक एहलकारों के सामने से गुजरवाया जाने लगा, ताकि अहलकारों की डीलिंग के मामलात सामने आ सके। स्पाई
نمائندے نے ٹریفک اہلکاروں کے سامنے سے چکر لگایا لیکن اسے ہیلمٹ نہ ہونے کے باوجود نہیں روکا گیا۔ دوسری مرتبہ میں نمائندے نے روک کر ٹریفک پولیس اہلکار سے پتہ پوچھا لیکن اسے پھر بھی نہیں پکڑا گیا۔ خدا جانے ہیلمٹ نہ پہننے کے باوجود روکنے کا کیا کرائٹیریا تھا جس پر نمائندہ پورا نہیں اتر رہا تھا، لیکن تیسرے پھیرے میں نمائندے کو کامیابی مل گئی اور ٹولی میں کھڑے ہوئے ایک ٹریفک اہلکار نے اسپائے نمائندے کو روک ہی لیا۔ اہلکار نے ہیلمٹ نہ ہونے پر چالان کاٹنے کے لیے نمائندے سے قومی شناختی کارڈ طلب کیا۔ نمائندے نے شناختی کارڈ نہ ہونے پر نفی میں گردن ہلا دی۔ اہلکار نے نمائندے کو 500 روپے چالان کاٹنے کا ہندیہ دیا جو کہ عموماً موٹر سائیکل سواروں کو دھمکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نمائندے نے جواباً جاں بخشی کے لیے 100 روپے نذرانے کی آفر کر دی جس پر اہلکار آنا کانی کرنے لگا۔ ابھی سینئر اہلکار اور نمائندے میں گفتگو چل رہی تھی کہ ایک اور اہلکار نے سالس کا کردار ادا کرتے ہوئے 100 وصول کر کے سینئر اہلکار کو قبول کروانے میں مدد کر دی۔ شاید وہ اسی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ سینئر اہلکار نے 100 روپے وصول کیے اور نمائندے کو جانے کی اجازت مل گئی۔ اس وقت ہمارے جو نمائندہ تھا آگے بائک پہ جا رہا تھا، اس کو ایک ٹریفک پولیس اہلکار نے روکا اور اس سے 100 روپے رشوت کی مد میں لیے۔ ان کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے ان کے سر پہ، تو ان کو آپ نے چالان کیا ہے؟ جی سر جی۔ کتنے کا چالان کیا؟ 170 کا۔ دکھا سکتے ہیں آپ کو چالان کی پرچی دی ہے کوئی؟ نہیں سر، نہیں، آن لائن کیا ہے۔ کیا؟ اچھا، کوئی پرچی تو ہوگی اس کے پاس آپ کی؟ یہ اور پرچی ہیں میرے پاس، یہ چالان کی پرچی ہے۔ نہیں، ان کی والی پرچی دکھائیں نا۔ نہیں، ان کی پرچی نہیں ہے، وہ آن لائن کر رہی ہے۔ چالان کی پرچی طلب کی تو مسکا خیز بات کرنے لگا کہ اس نے آن لائن چالان کیا ہے، اس کی پرچی نہیں ہے، جبکہ ریکارڈ مانگا گیا تو اس کی ڈیوائس میں ریکارڈ بھی نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے جبکہ اس نے چالان کیا ہی نہیں تھا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسے 100 جھوٹ بولنے پڑ رہے تھے۔ آخری ان کا نمبر کیا ڈالا تھا؟ وہ نمبر ڈالیں۔ کس چیز کا؟ ان کا گاڑی کا آخری نمبر ہوگا نا، وہ ڈالیں۔ وہ ڈال دو۔ وہ ریکارڈ میں سر ایسے ہی چلا جاتا ہے، آتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، یا ٹھیک ہے، آن لائن کی نہیں نکلتی ہے، مشین میں ریکارڈ نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے چالان نہیں کیا۔ چالان نہیں چالان کیا ہے تو اس کی مد میں آپ نے جو پیسے لیے وہ کہاں گئے؟ وہ میں بھر بھر کے بھیج دیے میرے بھائی نے، چالان کے پیسے بھیج دیے، انہوں نے 100 روپیہ دیا تھا، پوچھ لو۔ 170 کے چالان ہے، 170 کے چالان میں آپ نے 100 روپے کیسے لے لیے؟ سر اس نے منتے کی سنا، منتے کی کچھ بھی کیا ہو، دیکھیں بات یہ اس، یہ بھی بچہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ آگے جاتا ہے اس کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے، ذمہ دار آپ بھی ہیں۔ سر جی ہمیں 100 روپے لے کر ان کو کیسے چھوڑ دیا؟ اہلکار سے پوچھا کہ تم نے رشوت کیوں لی ہے تو کہنے لگا کہ یہ تو بھائی سے پوچھو کہ اس نے کیوں دیے ہیں۔ سر جی وہ تو بھائی سے پوچھو کیوں دیے ہیں۔ اب اس لطیفے کا کیا جواب ہو سکتا تھا کہ ایک مجبور موٹر سائیکل سوار بھلا رشوت کیوں دیتا ہے؟ بھائی نے تو دیے ہوں گے، بھائی آپ کو 500 روپے بھی دے گا آپ وہ بھی رکھ لو گے کیا؟ ہم آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں، سنا لیکن غلطی آپ مان رہے ہیں؟ مان رہے ہیں، بس غلط کیا آپ نے، ایک بچے کی جان آپ کی وجہ سے جا سکتی تھی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس جو غلطی ہو گئی سر۔ ناظرین، اس سینئر ٹریفک اہلکار کا چہرہ دھندلا رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنی غلطی کا نہ صرف فوری طور پر اعتراف کر دیا تھا، اپنے کیے پر شرمندگی اس کے چہرے پر نمایاں تھی، اور الفاظ میں بار بار معافی کی التجا۔ لہٰذا ٹیم گرفت نے اخلاقی تقاضا پورا کیا اور اس اہلکار کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس کا چہرہ دھندلا کر دیا تاکہ بدنامی نہ ہو، اور ٹیم گرفت یہ سمجھتی ہے کہ غلطی کرنے والے کو سدھارنے کا ایک موقع ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ اس معاشرے کا اچھا فرد بن سکے۔
आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ 150 रुपये है, मुझे वापस भी जाना है। मैं यही साहब को बोल रहा यार, 100 रख लो, आप नहीं जाना फिर भाई। टीम गिरफ्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आयशा मंजिल चौरंगी पहुंची, जहां तो अजीब ही मंजर दिखाई दिया। अहलकार इंतहाई बेजार खड़े थे, मुतादित बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजरे, लेकिन इन अहलकारों ने किसी एक को भी न पकड़ा। समझ से बाहर था कि इस अदम दिलचस्पी की वजह महकमे से बगावत थी या मोटरसाइकिल सवारों पर कमाल शफकत। नाज़रीन, इस वक्त लोग कराची के इलाके आयशा मंजिल पर खड़े हैं और मुख्तलिफ सड़कों पर कराची के हम ये सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से और हेलमेट की पाबंदी के हवाले से। थोड़ी देर पहले हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इनके पास से होके गुजर के जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी हम दोबारा से हम उनको अपने नुमाइंदे को भेजेंगे। नाज़रीन, हमारे जो नुमाइंदे थे वो बिल्कुल स्लो होके और उनके सामने से होते हुए गुजरे, लेकिन जो है उनको रोका नहीं गया। ऐसी सूरत में अगर ये अपनी इस कैंपेन के हवाले से दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करते हैं और आवाम को हेलमेट की पाबंदी नहीं कराते इसी तरीके से, तो फिर ये कैंपेन कैसे कामयाब होगी। टीम गिरफ्त ने अगला रुख किया कराची सेंट्रल के इलाके शफीक मोड़ का। शफीक मोड़ से प्राइवेट गाड़ियों के अलावा इंडस्ट्रियल एरिया की कमर्शियल और हैवी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। यहाँ भी एक मकाम पर ट्रैफिक कांस्टेबल दीगर गाड़ियों समेत बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने में मसरूफ थे। अभी इस वक्त आयशा मंजिल से भी हमारे नुमाइंदे जो है उनके पास से कई दफ़ा गुजरे हैं। शफीक मोड़ पर भी हम आए थे, फेडरल भी एरिया का इलाका है, तो यहाँ से भी जो है हमारे नुमाइंदे इनके पास से होते हुए गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने रोका नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये इस कैंपेन के ऊपर खुद तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी कैंपेन की अफादियत और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो खुद ही नल एंड वॉइड हो जाता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है कि इसके अंदर जो है वो कोई जान नहीं रह पाती। टीम गिरफ्त ने थोड़े फासले पर रोककर ट्रैफिक एहलकारों के मामलात पर नजर जमा ली और यहाँ भी इस पाए नुमाइंदे को बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार के तौर पर एहलकारों की तरफ रवाना कर दिया। ट्रैफिक एहलकार ने नुमाइंदे को रोक लिया। हेलमेट और कागज न होने पर एहलकार ने नुमाइंदे पर दबाव डाला कि गाड़ी बंद हो जाएगी और पैदल जाना होगा। ₹1,000 चालान का इंदिया दिया, जो कि इतना महंगा था कि मोटरसाइकिल सवार 100-200 देकर जान छुड़ाने में ही गनीमत समझता है। नुमाइंदे ने एहलकार को 100 रुपए रिश्वत की पेशकश कर दी। सीनियर एहलकार पैसे न लेने का इनकार करके वहां से दूर हो गया और दूसरा एहलकार करीब आ गया। नुमाइंदे ने वही 100 रुपए की पेशकश दूसरे एहलकार को भी की, उसने फौरन रख लिए और नुमाइंदे की जान बख्शी हुई। ये सिर्फ 150 रुपए है, मुझे वापस भी जाना है। मैं यही साहब को बोल रहा हूँ यार, 100 रख लो, आप नहीं जाना फिर भाई। नाजी, इस वक्त हम फेडर पे एरिया के इलाके शफीक मोड पे खड़े हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने अपनी एक पिकेट सी बनाई हुई है और यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। तो हेलमेट सेफ्टी के हवाले से जब इनसे हमने बात की तो ये कह रहे हैं कि इनके जो इंचार्ज साहब हैं उनसे आप बात कर लें। बहरहाल, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ से गुजरे थे थोड़ी देर पहले और उनसे जो है वो पैसे रिश्वत तलब की गई है, तो इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। इन्होंने 100 रुपए लिए उनके, इन्होंने अच्छा नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा चले, आप इनका चालान कर रहे हैं, ज़रा करें, चालान ही करते हैं ना। अच्छा, ये जो नौजवान शिकायत कर रहा है, एक कैब बोला है 100 रुपए लिए उन्होंने भाई जाना इस हो ही नहीं सकता।
जब आपके सामने आपके सामने चलान दिखा दो फिर आपको गाड़ी पर कैसे आएंगे नहीं मैं जवाब दिया नहीं मेरे चलान दिए नहीं ना मैंने मैंने रोका ही नहीं है ये रोका है एक रोका है ये चलान दिया एक मैंने ये रोका है गाड़ी अच्छा ये अगर आपको जो है सबूत दे दिया जाए और अफसरान से बात की जाए आपके तो फिर बिल्कुल आप बिल्कुल आप बोल सकते हैं क्योंकि बात यह है कि जब मैं ले ही नहीं लेता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों करूँ आपको रिक्वेस्ट कर रहा है बस ये सिर्फ 150 रुपये है मुझे वापस जाने मैं यही साहब को बोल रहा हूँ यार 100 रख लो आप नहीं जाना फिर बस ले रहे हैं तो फिर उसके बाद आपके अफसरान से बात कर लें नहीं सर बिल्कुल कर सकते हैं आप अच्छा आपको फिर चौकी पे तलब किया जाए अच्छा इनकी जो है ये बिल्कुल इस बात से इंकारी हो रहे हैं नाजरीन कि इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे से जो है वो 100 रुपये लिए थे ये सिर्फ 150 रुपये है मुझे वापस जाने मैं यही साहब को बोल रहा हूँ यार 100 रख लो आप नहीं जाना फिर बस रिश्वत खोर एहलकार बुरी तरह से घबरा चुका था लेकिन 100 रुपए रिश्वत लेने का सिरे से इनकार कर चुका था जबकि खुफिया रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि किस धड़ल्ले से इसने कुछ देर कबल 100 रुपए लेकर जेब में रखे थे और अब कसम खाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देने में लगा हुआ था तो आप ये दूसरे कामों में लग गए और जो साहब को रोका हुआ बाइक सवार को उनको हेलमेट की पाबंदी के तहत ये चालान कर रहे हैं इजाज़ साहब अभी हम यहाँ पे खड़े थे तो आपके जो एहलकार हैं उनके बारे में एक नौजवान ने अभी शिकायत की है सीनियर एहलकार जो कि इस चौकी का इंचार्ज भी था उससे रिश्वतखोर एहलकार की शिकायत की तो उसका कहना था कि वो इस एहलकार की अफसरान बाला से शिकायत करेगा ये तो एक्शन लिया जाएगा इंशाल्लाह जो भी क्या एक्शन लिया जाएगा उससे पूछे दो कि उसने पैसे लिए भी अफसरान बाला को अभी रिपोर्ट दूंगा अफसरान बाला है अच्छा अफसरान को यहाँ पे बुला सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट करा सर जो भी आप फाइनेंस कर दें उनको आपकी ड्यूटी कब से है यहाँ पे सुबह 7 बजे से आपने कितने चालान किए हेलमेट की बात नहीं करेंगे 11-12 तक चुका 12:30 का टाइम हो रहा है और सुबह 7 बजे से जनाब बता रहे हैं कि इनकी जो है ड्यूटी है और 11-12 ये हेलमेट की सेफ्टी के हवाले से चालान कर चुके हैं टीम गिरफ्त का अगला रुख था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके गुलशन इकबाल का यहाँ भी एक मकाम पर ट्रैफिक एहलकार अपने काम में मगन था पिछले 2 से 3 दिन से कराची की मुख्तलिफ सड़कों का सर्वे कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी हेलमेट के हवाले से जो इनकी कैंपेन चल रही है सेफ्टी के हवाले से तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि जिस वक्त लोग काफ़ी तादाद में जो है सड़कों पे होते हैं उस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार किसी एक गाड़ी के ऊपर किसी एक शख्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और उस वक्त उस दौरान अगर कोई बाइक सवार गुजर जाए उनके पास से तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते और आम तौर पर ये रविश नज़र आ रही है कि बाइक सवारों से जो है वो खर्चे पानी के नाम पे रिश्वत ले ली जाती है और उनको हेलमेट के हवाले से चालान नहीं किया जाता है ये चीज़ हम यहाँ पे इस वक्त दीपा चौरंगी के पास मौजूद हैं दीपा चौरंगी के पास भी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को हेलमेट के हवाले से पाबंदी नहीं करवाई जा रही है ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों की तरफ से हमारे नुमाइंदे थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं लेकिन उनकी तरफ भी किसी ने तवज्जो नहीं दी है अब दूसरी मरतबा हमारे नुमाइंदे यहाँ से गुजरेंगे तो देखना ही है कि इस वक्त भी इस बार भी जो है उनकी तरफ कोई तवज्जो दी जाती है और उनको रोका जाता है हेलमेट की पाबंदी के हवाले से या नहीं रोका जाता टीम गिरफ्त ने कुछ फासले पर गाड़ी लगाई और इस एहलकार पर नज़र जमा ली वाजे तौर पर नजर आ रहा था कि ट्रैफिक एहलकार बिना हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को रोक तो रहा था लेकिन चालान काटने के बजाय ले देकर मामलात हल कर रहा था यहाँ पे अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं और ड्यूटी वो क्या कर रहे हैं काफ़ी देर से हम यहाँ पे मौजूद हैं तकरीबन आधा घंटा हो चुका है आते जाते तमाम
बाइक सवारों को भी रोका जा रहा है, गाड़ी में लोगों को रोका जा रहा है और उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। सारी चीज़ों के हम लोग फुटेज बना रहे हैं इस वक्त। इन्हें हम पे अभी तक शक भी नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारे सामने कई लोगों से जो है इसी तरीके से बाइक सवारों से रिश्वत ले चुके हैं और अभी तक इनका ये रिश्वत लेने का काम जो है सिलसिला वो जारी है। स्पाई नुमाइंदा इस ट्रैफिक एहलकार के सामने पहुंचा तो एहलकार ने उसे रोक दिया। एहलकार ने कौमी शनाख्ती कार्ड तलब किया तो नुमाइंदे ने मना कर दिया कि शनाख्ती कार्ड नहीं है। एहलकार ने नुमाइंदे को बड़ी शद्दो मद से खुदा खौफी का दर्स दिया। ट्रैफिक एहलकार ने नुमाइंदे को 1,000 रुपए चालान का इंदिया दिया और फिर खुद ही 500 रुपए पर आ गया। नुमाइंदे ने एहलकार को 200 रुपए की पेशकश कर दी कि अभी मेरे पास यही है, यही रख लो। उसने कहा कि 200 रुपए का क्या करूँगा, ऐसा करो कि 300 रुपए दे दो। नहीं है ना अभी साहब। एहलकार ने नुमाइंदे को दिए हुए 200 रुपए जेब में रख लिए और एहलकार ने उसे जाने का इशारा दिया। नहीं है ना अभी साहब, ये 210 है मेरे पास। अभी टीम ग्रिफ्ट गाड़ी से उतरकर उस एहलकार की तरफ बड़ी भी न थी कि उस रिश्वतखोर एहलकार ने दौड़ लगा दी। एहलकार मीडिया को देखकर बड़ी तेजी के साथ भागने लगा। फुटेज में देखा जा सकता है कि वो रिश्वतखोर एहलकार मामले को भांप गया था और कुछ फासले पर जाकर एक मोटरसाइकिल सवार को रोका ताकि उसमें फरार हो जाए, लेकिन स्पाई टीम ने उसे भागने से रोक लिया। तो भाग गया। इधर आओ। हाँ चाचा, ये आप पैसे तो ले नहीं रहे चलान के और ऐसे ही पैसे लेके और उसके बाद आप भाग भी रहे थे यहाँ से। किससे? इनसे भाग रहे थे, आपने देख लिया था कैमरा उतर गया गाड़ी से, उसके बाद आप भाग रहे हो। किससे भागे? किससे भागे? आप कहाँ जा रहे थे बताओ। और इनके साथ जो किया आपने, इनसे तो पैसे लिए हैं, इसके साथ इस नौजवान के साथ पैसे लिए हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद है। नहीं है ना अभी साहब, ये 210 है मेरे पास। आप भाग रहे थे कैमरा देख के भाईजान, कोई चला नहीं देते मेरे साथ 10 बार हुआ इसी से जा रहा हूँ। कैसे जा रहा हूँ, चालान दो। चालान मतलब आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा था। इतनी देर से हम खड़े हुए यहाँ पे आपको यही देख रहे हैं कि आप हर बाइक वाले को रोक रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो, बस चालान तो किसी को नहीं कर रहे। कितने क्यों किए? कब से ड्यूटी कब से हुई? अच्छा इसको बताओ ना, इसको अभी जो किया है। अच्छा दो बंदे और जा रहे थे इसी तरीके से, 30 रुपए। ट्रैफिक एहलकार बुरी तरह घबराहट का शिकार था, वो किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहा था, रिश्वत लेने से साफ मुकर गया। भाई आप ये बताते हैं इनसे क्यों पैसे लिए, मुझे बस इस साथ इस सवाल का जवाब दे दो। इससे लिए हैं, इसको देखो, ये इसको पहचानते नहीं हो, अभी तुमने इससे पैसे लिए। बेटा हमने चालान किए हुए, चालान दिखाएं, इसका कौन सा गाड़ी नंबर डाला, रसीद दिखाएं। रसीद हमारे पास लाइए, दिखाइए। हम आपको क्यों दिखाएं? क्यों नहीं दिखा सकते आप? जो आप जब ये बात कर रहे हो कि आप रिश्वत ले रहे हो तो फिर उसके बाद आप रसीद भी नहीं दिखा सकते हो? इतनी तो हिम्मत रखो ना, अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना। क्या सुना? थोड़ा सुनो ना। बोला आपको जो मुझे काम करा, आप रसीद को दिखाने के आप आपके पाबंद नहीं। अच्छा तो ये पाबंद हो के जो है लोगों से रिश्वत लोगे? चालान कर रहे हैं। कौन सा चालान किया? चालान कर रहे हैं। ये भाई कंप्लेनेंट है, इसने बोला अभी आपने 100 रुपए लिए हैं इससे। ये है लेकर ही छोड़ दे, कोई चला नहीं देते मेरे साथ 10 बार हुआ इसी से। क्या हुआ?
भाई आप दिखाओ, नहीं ये बात नहीं करो, आप झूठ नहीं बोलो, झूठ बोल रहे हो आप, सीधा सीधा झूठ बोल लो। कितना पैसे लिए बेटा आपसे? 200 रुपए लिया, लेकिन इसका चालान किया ना, इसको रसीद दो, इसको रसीद दो। आवाम को भी मीडिया की मौजूदगी से हौसला मिला और इस अहलकार के डसे हुए सवारों ने भी इसके काले करतूतों के बारे में खुलकर बताना शुरू कर दिया। चालान होता है 170 रुपए में लेके जान छोड़ते थे, 70 हमारे बच्चा नहीं बोलते, 100 हमारी जेब में। रसीद दो, रसीद दो भाई इसकी। मैंने इसका चालान नहीं किया हुआ है। क्यों नहीं किया? फिर 200 रुपए किस चीज के लिए? 200 रुपए किस चीज के लिए? आप भाग रहे थे कैमरा देख के भाईजान, आप भाग रहे थे कैमरा देख के। नहीं तो आप इसका चालान का रसीद दो, चालान का रसीद दे दो ना इसका। 200 रुपए लिए। अच्छा देखो, इस उम्र में तो सच्चा होता है, कोई मसला नहीं है। पब्लिक तो इकट्ठा होगी भाईजान, पब्लिक इकट्ठा होगी जब आप जुलम करोगे, आप जुलम करते हो। अच्छा वन वे वाला बंदा आ रहा है, हमसे भाग के क्यों निकल रहे थे? फिर उससे पहले वन वे वाला बंदा नजर आ रहा है तुम्हें, जब कैमरा यहाँ से निकला है, फिर उसके बाद आप भागे हो। यहाँ पे नाजीन आप लोगों ने देख लिया, पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे मौजूद थे। बाइक सवारों को भी रोका जा रहा है, कार सवारों को भी रोका जा रहा है, उनसे रिश्वत ली जा रही है, उनका किसी का चालान नहीं किया जा रहा। अच्छा अब बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ हमारे नुमाइंदे नहीं, कई और पब्लिक में से लोग आए हैं जिन्होंने इनकी शिकायत की है और ये कहा है कि यहाँ पे ये यही करते हैं कि ये पैसे ले लेते हैं, 100 रुपये ले लिया, कभी 50 रुपये ले लिया, कभी 200 रुपये ले लिया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ ये है कि 200 रुपये ले के ये बाकी जो चालान के बकाया पैसे होते हैं वो वापस नहीं करते। इस जमीर फरोश रिश्वतखोर की ढिटाई इस हद तक थी कि अपने दिफा में वो अफसराने बाला के सामने भी अपनी रिश्वत की दास्तान को झुटलाने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि टीम गिरफ्त के पास उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, तो वक्त जाया करने के लिए टीम गिरफ्त की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। इस जोर जबरदस्ती की मेहमान नवाजी से टीम गिरफ्त ने बमुश्किल जान छुड़ाई और एसओ के बजाय एसएसपी ईस्ट के दफ्तर जाने का इंदिया दिया, जिसके बाद इस रिश्वत खोर अहलकार से जान छूटी। नाजरीन, हेलमेट की सेफ्टी के हवाले से जो मौजूदा कैंपेन है उसमें आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पे इस किस्म के आपको स्टॉल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी रुकने का मकसद हमारा यही है कि हम ये दिखा सकें कि यहाँ लिखा हुआ जैसा है कि बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बाजार से रियायती कीमतों पर हेलमेट मौजूद है। अब आप आवाम खुद इसका फैसला करेंगे कि जो हेलमेट्स की क्वालिटी है और इसके साथ साथ जो यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, तो ये क्या वाकई रियायती कीमतों पे आवाम के सामने मौजूद हैं, आवाम के लिए दस्तरस में हैं। जो यहाँ पे रेट्स मौजूद हैं 1100 और 1000 के इम्पोर्टेड के और लोकल के 650 के, तो क्या हेलमेट की क्वालिटी के लिहाज से क्या ये रेट मुनासिब हैं या नहीं है, ये फैसला आवाम खुद करेगी। हालिया हेलमेट मुहिम में एक नई बात, ट्रैफिक पुलिस की चौकियों के साथ ही हेलमेट की फरोख्त के लिए लगाए जाने वाले स्टॉल की एक नई रविश के तौर पर सामने आई, जिसके बारे में हकायक जानने के लिए टीम गिरफ्त ने अपना खुफिया नुमाइंदा इन स्टॉल की जानिब भी भेजा। चलान की वजह से महंगा होगा ना यार, चलान किससे क्या ताल्लुक है? चलान इसमें यह ताल्लुक है, जब आपको जितने चालान है डायरेक्ट। अच्छा आपको पता नहीं है कि तक? नहीं वो तो पता है, लेकिन चलान से महंगा ये क्यों हो गया? इससे तो महंगा नहीं होना चाहिए ना, ये तो उतना ही छोटा है, ये दूसरा डिजाइन ये है, लेकिन महंगा नहीं छोटा बन रहा है, ये तो उतना ही कहीं बनेगा ना जितने का बन रहा है, चलान से तो ये महंगा नहीं होगा ना। आपको मजा थोड़ा मार्केट के बस उसका बात करता है, उल्टा क्यों बात करें? जब बात ये बात करता है कि पहले सस्ता था, जब ये चालान लगाए मोटरसाइकिल नहीं छोड़ता, इसलिए मंगा कर दिया हेलमेट, ये चीज़ मंगा नहीं कि ना कंपनी ने मंगा कर दिया, ये कंपनी वाले से बातचीत हो जाए, कंपनी वाले पास बात जमा हो जाए, वो को बात कर लेते हैं, जो बड़े बड़े बोलते हैं आपको कुछ भी नहीं सकता, उसके बाद कर लेते हैं बातचीत कर लेते हैं भाई, उसका जो कुछ निकाल ये मान लीजिए, जो वो मान लीजिए जो है ना, उसको शायद 400 का मिल जाता है, 400 वो अभी है,
کچھ عرصے قبل ٹریفک پولیس کی جانب سے کراچی کی معروف اور مصروف ترین شاہراہ شاہراہ فیصل پر موٹر سائیکل سواروں کے گزرنے کے لیے علیحدہ لین متعین کی گئی، جس کے اہتمام و انتظام اور تشہیر پر سرکاری خرچہ بھی کیا گیا، لیکن کوئی بھی ذی شعور اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ منصوبہ کس حد تک قابل عمل تھا۔ شاہراہ فیصل پہ سفر کرتے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایکسٹریم لیفٹ جو ہے اس لین کو جو ہے وہ بائک کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے، یا بائک کے لیے جو ہے اس کو ریزرو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری لینز کے اوپر بھی بائک سواروں کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں جتنی لوڈر گاڑیاں ہیں اس کے لیے بھی، اور کمرشل گاڑیاں جیسے رکشا، ٹیکسی یا بسز ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ اسی لائن کو جو ہے وہ ریزرو کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تمام ٹریفک اسی ایک لائن کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے گا، تو پھر اس کے بعد باقی جگہوں پہ کیا ٹریفک چلے گا، اور پھر اس کے بعد ٹریفک کی روانی کیسے پاسبل ہو سکے گی، کیونکہ اگر کوئی گاڑی خراب بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر جو لین ہے اس کے اوپر لوگ اپنی گاڑیوں کو پارک کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بائک سوار یا لوڈر گاڑیاں لے کے جانے والے یا کمرشل گاڑیاں چلانے والے وہ کس لائن کو چوز کریں گے؟ شاہراہ فیصل کی ابتدا سے آخر تک کوئی موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل لین میں رہ کر سفر نہیں کر سکتا۔ بسوں کا رکنا، بائیں جانب مڑنے والے ٹریفک کا گزرنا، بائیں جانب موجود پیٹرول پمپس کی آمد و رفت وغیرہ ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار موٹر سائیکل لین کو بار بار چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہیلمٹ کے لازمی استعمال کے لیے ہیلمٹ کی اپنی سیکیورٹی بھی اہم مسئلہ ہے۔ موٹر سائیکل پارکنگ سے ہیلمٹ کا غائب ہونا معمول کی بات ہے۔ ہیلمٹ کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے کی صورت میں اس کے استعمال کو بھرپور تقویت مل سکتی ہے۔ ہیلمٹ کی پاسداری اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک ہیلمٹ کو بطور کلچر نہیں اپنایا جاتا۔ ٹیم گرفت ٹریفک انتظامیہ کی جانب سے دفاتر کی انٹرنس اور پارکنگ ایریاز میں ہیلمٹ کے لیے حفاظتی انتظامات سے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صرف ٹریفک پولیس کی طرف سے ہی اس کا دباؤ نہ ہو، بلکہ موٹر سائیکل استعمال کرنے والوں کے اہل خانہ اور دفاتر کا عملہ بھی ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائے۔ اس سلسلے میں میڈیا کو بھی ٹریفک قوانین کی آگاہی کے حوالے سے پبلک سروس میسجز پر مبنی خصوصی پروگرام نشر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک قانون کی پاسداری کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت شعور اور آگاہی کے فروغ کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔